आज के वीडियो में हम बात करेंगे विंबलडन प्रतियोगिता के बारे में। इस प्रतियोगिता को लेके वीडियो बनाने की कुछ खास वजह हैं। पहली, ये दुनिया की सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता है। दूसरी, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता है जिसे आज भी खेल की मूल स्तर पर खेला जाता है। और तीसरी है, इसमें मिलने वाली भारी भरकम पुरस्कार की राशि। बाकी की विशेषताओं के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, विंबलडन प्रतियोगिता दुनिया में सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के रूप में जाना जाता है। 1877 के बाद से यह प्रतियोगिता लंदन के विंबलडन उपनगर में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित की जाती आ रही है। इस जगह के नाम पर ही इस प्रतियोगिता का नाम रखा गया है। यह प्रतियोगिता टेनिस टूर्नामेंट में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है और यह एकमात्र प्रतियोगिता है जिसे आज भी खेल की मूल सतह घास के ऊपर खेला जाता है, जिससे इस प्रतियोगिता को लॉन टेनिस का नाम भी दिया गया है। इस प्रतियोगिता को पहली बार 1937 में टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारे चैनल से जुड़ने का आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। यह प्रतियोगिता जून के अंत और जुलाई के प्रारंभ में लगभग 2 सप्ताह के लिए खेली जाती है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के सिंगल्स फाइनल का आयोजन क्रमशः दूसरे शनिवार और रविवार को किया जाता है। यानी शनिवार को महिलाओं का और रविवार को पुरुषों के सिंगल्स फाइनल का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता के लिए एक अनिवार्य ड्रेस कोड होता है। खैर, ड्रेस कोड तो लगभग हर खेल में ही होता है, लेकिन जो हर खेल में नहीं होता वो है इस प्रतियोगिता के दौरान दिया जाने वाला भोजन। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में भोजन में स्ट्रॉबेरी और क्रीम को शामिल किया जाना मानो इस खेल की पुरानी परंपरा है, और खाने के साथ शाही रहन सहन भी इसकी परंपराओं में शामिल होता है। अगर बात करें इस खेल को खेले जाने वाले मैदान की, तो जिस मैदान में ये खेल खेला जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं। इस प्रतियोगिता को पूरा कराने के लिए कुल 18 कोर्ट बनाए गए हैं, जो कि दर्शकों के बैठने की संख्या के हिसाब से छोटे बड़े हैं, जो कि 4000 से लेके 15000 तक के बीच हैं। वर्ष 2009 में विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर ऐसी छत बनाई गई जिससे ज़रूरत के हिसाब से लगाया या हटाया जा सके, ताकि खेल प्रतियोगिता के दौरान खेले जाने वाले मैचों में वर्षा के कारण होने वाली देरी से बचा जा सके। हर साल टूर्नामेंट की शुरुआत 20 और 26 जून के बीच पड़ने वाले पहले सोमवार को होती है। यह प्रतियोगिता पूर्व निर्धारित 13 दिनों के लिए खेली जाती है, जिसकी शुरुआत सोमवार से होती है और अगले रविवार को इसकी समाप्ति कर दी जाती है। इस बीच पड़ने वाले रविवार को आराम के लिए निर्धारित किया गया है। अगर बात करें इस प्रतियोगिता में अपने देश भारत की, तो अपने देश में भी एक ऐसे महान खिलाड़ी हैं जो इस प्रतियोगिता में अपने देश भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का नाम रोशन कर चुके हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है रामनाथन कृष्णन, जो कि भारत के एक सेवानिवृत्त टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1937 को हुआ था। रामनाथन जी 1950 से 1960 के दशक में दुनिया के अग्रणीय खिलाड़ियों में शामिल थे। ये 1960 और 61 में विंबलडन प्रतियोगिता में 2 बार सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं। 1954 में ये विंबलडन प्रतियोगिता में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने थे। रामनाथन जी को 1961 में अर्जुन पुरस्कार, 1962 में पद्मश्री और 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं इस प्रतियोगिता में मिलने वाली धनराशि के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2010 से सिंगल्स के प्रत्येक विजेता को
10,00,000 पाउंड की राशि दी जाती है। आज यानी 28 जून को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय 1 पाउंड की कीमत लगभग 103 भारतीय रुपए के बराबर है। तो इस हिसाब से आप ये मान के चलो कि इस प्रतियोगिता में सिंगल्स के प्रत्येक विजेता को 10,32,39,000 की राशि और साथ में ट्रॉफी दी जाती है। तो दोस्तों ये थी विंबलडन प्रतियोगिता से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।